पार्टी, भारतीय जनता पार्टी मंच पे आती। भारतीय जनता पार्टी जिला डोडा के हमारे अध्यक्ष कविराज शर्मा जी, भद्रवा के हमारे पूर्व विधायक हमारे बड़े भाई दलीप सिंह परिकरा जी, हमारे संगठन महामंत्री विपुल शर्मा जी, मंच पे भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता जो वीडीसी सेल के कन्वीनर बसंत राय ठाकुर जी, इनके साथ को कन्वीनर हमारे नरेंद्र कोतवाल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गजेंद्र सिंह राणा जी, श्याम वाणी जी, रशपाल जी, पूरी सिंह राणा जी, हमारे इखलाक वाणी साहब और यहाँ पूर्व हमारे मंडल अध्यक्ष हमारे मुंशीराम परिहार जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुधोर कोतवाल जी, हमारे यहाँ बीडीसी के चेयरमैन मनीष जी, इस बीडीसी सेल के हमारे प्रेसिडेंट रतन चंद जी, जनरल सेक्रेटरी सुरेश जी, इस जिला के अध्यक्ष हमारे बीडीसी के जगदेव जी, और खास करके हमारे बॉर्डर से आए हुए हमारे साथी जिन्होंने यहाँ पे भाषण किया, मुबश्शर आजाद साहब जो आज पहली बार भारतीय जनता पार्टी के मंच पे आज यहाँ डोडा में तशरीफ फरमा है, हम सबका यहाँ पे वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो मैं सभी बीडीसी के जितने भी हमारे लोग यहाँ पर हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको मुबारकबाद देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा। एक तो अभी जो परसों जो रिजल्ट सामने हमारे आए हैं, 5 में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है, और साथ में एक ऐतिहासिक फैसला जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया, एक बीडीसी का जो एक देराना मांग था, ये कब बनी, कैसे बनी, आप सारे भली भांति वाकिफ हैं। जम्मू कश्मीर के हालात उस वक्त, अगर वो हालात खराब हुए थे उसका अगर कोई जिम्मेवार था तो कांग्रेस और एनसी के लोग उसके जिम्मेवार थे, जिन्होंने यहाँ पे अलायंस करके यहाँ धांधलियां करके सरकार बनाई थी। वही एक कारण रहा कि यहाँ पे आतंकवाद शुरू हुआ और उस आतंकवाद के चलते हुए हजार लोगों ने अपनी जानें गवाई, और खासकर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को 20-25 लोगों को इकट्ठा मारा गया। जैसे दलीप जी ने कहा, एक आंदोलन हुआ जब डोडा बचाओ आंदोलन, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सारे लोग दिल्ली से आके जम्मू में वहां पे गिरफ्तारियां थी। मैं आज के दिन श्रद्धांजलि देना चाहूंगा हमारे प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता जी, दया किशन को, कश्मीर में कश्मीरी पंडित सब वहां से भाग चुके थे, लेकिन हमारा यह मानना है कि अगर डोडा डिस्ट्रिक्ट में आज भी यहां लोग सुरक्षित है और यहां अगर आतंकवाद को खत्म किया तो उसमें आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेज पुलिस के साथ अगर सबसे ज्यादा अपराध किसी ने किया तो हमारे बीडीसी के भाई ने वो काम किया। आपके उस काम को कोई नहीं भूला है। ये एक इशू बना, आप सब जानते हैं किस तरीके से खड़ा हूं आप उसकी लड़ाई में, लेकिन पार्टी ने इस इशू को हाईलाइट किया, एक टीम कमेटी गठित करके ये 13 मांग जो बीडीसी मेंबर्स की थी कि हम किसी के आगे अपना हाथ नहीं फैलाएंगे, जो भी सैलरी मिले, जो भी आंदोलन मिले वो डायरेक्ट हमारे अकाउंट में जाए, और अब उस मांग को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मान के पिछले ही दिनों एक ऑर्डर हुआ है कि जो भी बीडीसी के जितने भी मेंबर हैं वो उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जाएगा। एक इशू अभी पेंडिंग है, मेरे यहाँ पे बहुत सारे अनपेड बीडीसी के लोग भी यहाँ पर होंगे, आप मत सोचे कि आपके बारे में कोई ध्यान नहीं, आपकी कोई चिंता नहीं, जितना बीडीसी मेंबर जो पेड है उनका रोल इस प्रेजेंसी में रहा है
उतना आपका भी रोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी आपके साथ ही खड़ी, आपके काम को भी किया जाएगा। मैं परसों ऊपर बैठा, मैंने वहां पे कहा कि भारतीय जनता पार्टी और वीडीसी का जो आपस का रिश्ता है, एक माँ और बेटे का रिश्ता है, और बेटे का भला माँ से ज्यादा और कोई नहीं कर सकता। आप निश्चित रहिए, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है। हमने देखा है असेंबली के अंदर भी, जब एज ए विधायक के तौर पे हमें मौका मिला, वहां एमसी कांग्रेस के वहां बने चीख चीख के ये बोलते थे मिलिटेंसी खत्म हुई है, वीडीसी को डिस्पेंस करके। लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी के 25 विधायक वहां खड़े होकर इसका जवाब देते थे कि वीडीसी को न खत्म किया जाए, बल्कि वीडीसी का और स्ट्रेंथन किया जाए, वीडीसी का और मजबूत किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है, और हम उस बात पे आज भी कायम है कि जितना वीडीसी का जो रोल रहा है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। आज आप यहाँ पे डोडा में आए, एक कार्यक्रम आपने यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट हर जिला में हो रहा है, और साथ में जो परसों की जो जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है, ये आने वाला 2024 का जो आने वाला जो पार्लियामेंट के चुनाव होंगे उसके लिए भी संकेत है। और जम्मू कश्मीर में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। आपको आज दिखा होगा इस मंच पे आपने देखा दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े कद्दावर नेता, जिनको ये लगा, जिनको ये महसूस हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के बगैर अब जम्मू कश्मीर में कोई गुजारा नहीं है, वो एमसी के लीडर हो, वो कांग्रेस के लीडर हो, आज डेली भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जाइनी के कार्यक्रम होते हैं। उदाहरण के तौर पे हमारे बीच में आजाद साहब के भतीजे मुबशर आजाद साहब उस खामी से बिलोंग करते हैं जो सैकड़ों सदियों से, जो पिछले 50 साल से कांग्रेसी थे, और उन्होंने कांग्रेस का वहां से दामन छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी उन्हें ज्वाइन की है। हम आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, और इस मंच से आह्वान करते हैं यहाँ एसपी डोडा डिस्ट्रिक्ट के नौजवानों को, आइए। अगर आपका रोजगार की अगर कोई बात करेगा, आपके विकास की कोई बात करेगा, आपकी कोई डेवलपमेंट की बात करेगा, तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी करेगी, इसके अलावा कोई पार्टी नहीं कर सकती। आज आप देखें कोरोना काल रहा, बाकी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर जो कहीं दिखे नहीं, और फिर कहते हैं कि हम गुप्तार गेम बना के चुनाव में फिर से जाएंगे। एक ही मकसद उनका होता है कि जात पात की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमको जात पात से ऊपर उठ के जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको विकास की राजनीति करनी है, और एस्टमाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट में जो आप लोग हैं, आपकी वजह से यहाँ हम लोग सुरक्षित हैं, यहाँ के लोग सुरक्षित हैं। सुरक्षित अगर है तो विकास हो सकता है, अगर यहाँ शांति पीस है तो विकास हो सकता है। इसलिए मेरी सब लोगों से यह गुजारिश होगी कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में चुनाव किसी भी टाइम हो सकते हैं। मेरी आप सबसे निवेदन है कि आपका जो इश्यूज है उनको एड्रेस करें तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये तो 4,000 या 4,500 जो भी आपके अध्यक्ष जी कह रहे थे, ये हमारे लिए कुछ माने नहीं रखते। हमारा मकसद था कि आपको एक स्ट्रीमलाइन किया जाए, आपके खातों में डायरेक्ट पैसा आना शुरू हो जाए, फिर 4 हो या 10 हो या 15 हो, वो देने का काम अगर कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। आपने देखा एसपीएस को क्या मिलता था, 1500 से शुरुआत हुई, 3000 मिलता था। मुझे याद है जब 2014 के चुनाव होने थे, उस वक्त हम लोग दिल्ली जब गए, राजनाथ जी गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे, हमने उनको तब कहा कि नहीं इनको 10,000 कीजिए, लेकिन उस वक्त एनसी की सरकार ने जो प्रपोजल भेजा था वो 5,000 का था, उसके बावजूद भी 6,000 उस वक्त किया, और जब सरकार आई 6 से 12,000 और 12,000 से 18,000 हुआ। आप चिंता मत कीजिए, आप स्ट्रीमलाइन हुए हैं, और खासकर अनपेड जो हमारे वीडीसी भाई हैं, उनसे भी ये गुजारिश करूंगा कि आपका भी उतना ही रोल है, और भारतीय जनता पार्टी आपके साथ में है। आप
पूरी टीम को, भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी हमारी टीम है उनको बधाई देना चाहूंगा कि हम पहले टीम के तौर पे इस स्ट्रगल को लड़े, इस काम के लिए आगे रहे और अपने हाई कमांड को ये बताते रहे कि लोगों का क्या रोल रहा है, अनपेड वाले का क्या कसूर है। अगर इसने भी वैसी ड्यूटी दी है, इसने भी अगर वैसा ही काम किया है तो उनको भी जरूर उनको पैसा मिले। आज सारे लोग आप यहाँ पे आए, मैं आपसे यही विनती करूंगा, आने वाला जो हमारा लक्ष्य होगा, आने वाला असेंबली का चुनाव जम्मू कश्मीर में किसी भी टाइम, जैसे होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि साल के अंत में होगा, गुप्तकार फिर से आएगा और बात करेंगे 370 की। अगर 370 नहीं टूटा होता तो आज आपको वीडीसी वालों को आपको इंसाफ नहीं मिला होता, क्योंकि अगर यहाँ 370 होता तो कोई भी दिल्ली का कानून यहाँ पे डायरेक्ट लागू नहीं होता था, जब तक मैं यहाँ पे स्टेट की असेंबली से पास करती। आज यूटी यहाँ पे है, डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो केंद्र के पास है और जो भी बेनिफिट जो बाकी स्टेटों के लोगों को मिलते हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल रहे हैं। आज जब फिर से जब आएंगे, जब पहले चुनाव हुए तो हम 370 आएंगे, मुझे याद है मैंने भाषण सुना था आजाद साहब का इस मंच से, यहीं से उन्होंने कहा था कि कब हमारे पास 300 एमपी होंगे तो कब हम 370 को वापस लाएंगे। वो आज अपने हालत देखी, यूपी इतना बड़ा स्टेट है जहां पे कांग्रेस केवल 2 एमएलए जीत के आए, पंजाब जो स्टेट में राज करते थे आज वहां पे आप पार्टी आई, बाकी जगहों पे तो उनका कोई नामो निशान नहीं, आज आप पार्टी और कांग्रेस बराबर की टक्कर में है दो दो स्टेट्स में, पंजाब में दिल्ली में आप पार्टी है और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी है। यह हालत उस नेशनल पार्टी की है जिसके एक वक्त में 450 एमपी हुआ करते थे, आज उनकी यह हालत है कि यूपी में 2 बार सरकार नहीं कांग्रेस की, उनके मुख्यमंत्री 2 बार रहे, लेकिन आज अगर उनको अगर असेंबली के लिए जाना है तो उनके एमएलए एक स्कूटर पर 2 लोग बैठ के वो असेंबली में जा सकते हैं, यह हालत आज उनकी। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि हमारे लिए लक्ष्य आगे जो होगा उसके लिए जुट होकर हमको काम करना, हम छोटी मोटी बातों पे आपस में लड़ झगड़ के उस वक्त ध्यान नहीं होता है, बाद में पछतावा होता है। इसलिए सबसे निवेदन होगी कि जात पात से ऊपर उठ के, और हमने 2014 में तो यहाँ कहा था कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे को मजबूत करते हुए विकास की राजनीति, डेवलपमेंट की राजनीति हम यहाँ करेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।